कि उसका शीशा काट के, ये शीशा काट करके और गेट खोल के मतलब चोर घुसा, उसका जेब काट के पैसा भी ले गया और एक दो मोबाइल भी था उसके पास, वो भी ले गया उसका। उन लोग जब शीशा काटता है ना तो पहले उन लोग मार ही देता है, वो बेहोश होने वाला उन लोग पास रहता है, समझा। ये जानता है कौन पाउडर रहता है ये वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और इतना बारिश की हम लोग को मौका नहीं मिला नीचे उतरने का, और सुबह हम 7 बजे करीब बॉर्डर पार किए छत्तीसगढ़, तो मतलब काफी दिक्कत से बारिश में थोड़ा सा भीग करके गए गेट पास लाने के लिए, और गेट पास लेकर के आए। और साइक्लोन का जो बारिश चल रहा है वो अभी भी चल ही रहा है, और पता नहीं शायद आज भर रहेगा कि और बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमको टेंशन ये हो रहा है कि जो पत्थलगांव जसपुर का जो रास्ता है, जसपुर का तो नहीं, पत्थलगांव धरमजड़ का जो रास्ता है, बारिश के कारण क्या है कि वहाँ खराब हो जाता है, तो फिर सब रास्ता रूट लोग चेंज कर लेता है उड़ीसा होकर के। तो हम तो इधर आ चुके हैं, अब हमको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कि कोई जाम जुम मिले, और ऐसा हमको गाड़ी भी आगे से नहीं दिख रहा है, जैसे गाड़ी उतना रनिंग चलता था वैसा गाड़ी भी हमको नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि ऐसा ना कि फिर कोई जाम उम का स्थिति हो गया हो। अब नज़दीक जाएंगे तभी मालूम चलेगा हमको कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, या कोई गाड़ी आएगा तो उसको रोक के पूछेंगे कि भाई कब पार किए थे अब वो एरिया को, तो बारिश मिला था क्या पोजीशन है। तो अब ठीक है दोस्तों, अभी घाट ढूंढते हैं, लोरो घाट आने वाला है, अब घाट ढूंढते हैं फिर रोक कर किसी गाड़ी वाले से पता करते हैं कि क्या पोजीशन है उधर का रास्ते का। दोस्तों अभी हम लोग लोरा घाट तो पहुंच गए, अब देखिए लोरो घाट उतर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे लगता है एक्सीडेंट होता था इसीलिए इस वाले रोड को थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ दीवार भी बना दिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता था पहले भी, ऊंचा किया था लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं रुकता था, सीधा उस पार हो जाता था। अब तो सीमेंटेड का ढलैया करके ऊंचा कर रहा है, कम से कम गाड़ी तो रुक जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं, ड्राइवर का जान तो बच जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इधर ही था पहले पे, ज्यादातर एक्सीडेंट वहीं पे होता था हमेशा, जब भी देखते थे पूरा रोड ऐसे घुमा हुआ है ना, ब्रेक फेल होता है और फिर वही जान चला जाता है ड्राइवर का। दोस्तों बहुत से गाड़ी देखते हैं कि वहां से उतर के जब आता सीधा यहां नीचे गिरता है, तो यहां पर मतलब इतना ज्यादा खाई है, वो लोग सीधा सीधा सब टर्निंग समझ में आता नहीं, ब्रेक नहीं लगता है तो सीधा स्पीड में आता, सीधे सीधा उतर जाता है वो लोग। और गाड़ी अगर गिर जाता है तो उसको निकालने की रास्ता छोड़ा गया है रोड वाला, जो है देख सकते हैं यहाँ पे इतना गेप छोड़ दिया है, अगर किसी कारण कोई हादसा हो जाए इधर से आना जाना कर सकता है। वो वाला रास्ता दोस्तों छोड़ा गया था, देखिए हाइट भी कितना ज्यादा है, कितना ऊंचा है। खैर आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्या अब रोड भी चौड़ा हो गया और टर्निंग जो है वो भी चौड़ा कर दिया, और वहाँ जो पिलर जो बना दे रहा है सीमेंटेड का, उससे क्या ये कम से कम गाड़ी रुक तो जाएगा, उस पार तो नहीं होगा। कई बार हम लोग देखे हैं गाड़ी स्पीड में आता सीधा उस पार हो जाता था। अभी दोस्तों घाट उतरने के बाद हम लोग यहाँ रुक गए हैं साइड में, थोड़ा ग्रीस मरवाना था गाड़ी में इसीलिए, अभी लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा इतना बारिश में वो आए हैं कि नहीं आए हैं। ये साइड में तो गाड़ी दिख रहा है, ये लोग भी शायद ग्रीस के लिए रुके होंगे, आराम हो जाएगा। दोस्तों रोके तो थे यहाँ लोरो घाट के नीचे में कि अपना टायर भी ठंडा हो जाएगा, ऐसे तो बारिश से ठंडा ही हो रहा है, लेकिन ग्रीस वाला जैसे ग्रीस मराएंगे तो ग्रीस वाला है नहीं, बारिश में मतलब बहुत से काम नहीं होता है, जैसे बहुत जगह मिस्त्री नहीं आता है बारिश के कारण, तो उसे यहाँ ग्रीस वाला नहीं है, तो यहाँ कपड़ा सुविधा आयरन कराएंगे तो लाइन भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो सिलाई वेक करने का रहता है पुराना कपड़ा, देखिए सिलाई करवा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत फट ही जाता है गाड़ी में इधर उधर, तो वो भी सिलाई करवा ले रहे हैं। और अब इंतजार करते हैं, लाइन आ गई तो ठीक है 10 मिनट इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से निकल चलेंगे, क्या करेंगे। दोस्तों अभी लाइट तो आ गया है और देखिए पापा अभी आयरन करवा रहे हैं अपना कपड़ा। दोस्तों अभी पापा आ चुके हैं और सारा आयरन हो गया ये सारा कपड़ा। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं और थोड़ा सब्जी भी ले लिए, ये देखिए बगल में ही मार्केट था, तो अभी जा रहे कोई पंप देखते हैं, पंप में साइड लगा के खाना बनाएंगे। पंप के पास दोस्तों अभी आ चुके हैं, देखिए पूरा सभी लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी यहीं बना लेंगे। दोस्तों अभी दोपहर का 12 बज गया है और हम लोग पंप में रुक गए हैं अभी खाना बनाने के लिए, क्योंकि बारिश इतना तेज हो रहा है ना कि हम कह चलो बारिश अगर हो सकता है खाना बनाते बनाते बारिश रुक जाए, इसलिए हम लोग खाना भी बना ले रहे हैं। और देख सकते हैं चावल वगैरह सब रेडी कर लिए हैं, और ये आलू है मेरा, और आलू क्या नहीं कि अभी थोड़ा उबाल दिए, आज प्लानिंग हुआ आलू दम बनाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा मौसम भी सही है तो टाइम भी अपने पास दिन दिन में, क्योंकि बढ़िया रोड यहीं तक है, कुनकुरी तक ही बढ़िया रोड है, उसके बाद ख़राब रोड मिलता है, तो खराब रोड की स्थिति क्या होगा, कहाँ फंसेंगे क्या होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, इसी लेके थोड़ा रुक करके यहाँ पर हो सकता है बारिश थम जाए, तो थोड़ा कम हुआ है बारिश, ऐसा बात नहीं है, बारिश कम हुआ है।
प्याज लहसुन मिर्चा दोस्तों सब काट दिए है, और इधर अभी पापा आलू को उबाल दिए और उसको अब छील रहे हैं। दोस्तों चावल तो मेरा बन गया, अब जा रहे सब्जी बनाने के लिए। तो देख सकते आलू दम जो है पूरा, आलू जो है पूरा छील वगैरह रख लिए हैं, थोड़ा छोटा भी कर लिए हैं, और भी ज़्यादा बारीक आलू रहता तो भी छोटा करने जरूरत नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था ये। तो अभी इसको तल के निकालेंगे तेल में, उसके बाद अपना इसका ये देखिए बनाएंगे इसका मसाला, फिर इसको आलू दम बनाएंगे। दोस्तों जमशेदपुर से रायपुर का सफ़र जो है वो 7-750 किलोमीटर पड़ता है, तो कल तो कुछ सफ़र काटे थे हम लोग, करीब 300 किलोमीटर कर लिए थे, क्योंकि उस बीच में हम घर भी गए थे, उसके सफ़र तो कम हुआ था। लेकिन इधर क्या है कि रोड थोड़ा सा ख़राब है, रोड ख़राब है तो इधर भी कोशिश रहेगा मेरा कि कम से कम 300 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं प्याज तो पूरा लाल हो चुका है, अब इसको हम जा रहे हैं मसाला डाल के तरी बनाने के लिए। और अभी अभी हम अपना दोस्त है विजय, उससे मेरा बातचीत चल रहा था, वो भी जो गाड़ी चलाता है 13 नंबर वाला, तो उसी से बातचीत चल रहा था। वो बेचारा साथ में हाथ में एक हादसा हो गया कि उसका शीशा काट के, ये शीशा काट करके और गेट खोल के मतलब चोर घुसा, उसका जेब काट कर पैसा भी ले गया, और एक दो मोबाइल भी था उसके पास वो भी ले गया, उसका छोटा मोबाइल था वो तो नहीं ले गया, वो बच गया, वो सामने था लेकिन लेके नहीं गया, बड़ा मोबाइल दोनों लेके चला गया। तो इसी लेकर के देखिए हम भी कई बार बताते हैं, रांची का जो बॉडी बनता है ना रांची गाड़ी में, उसमें सब में यहाँ पर ग्रिल देता है यहाँ पे कि किसी का हाथ नहीं घुसेगा, शीशा काट भी देता है तो किसी का हाथ नहीं घुसता है। तो हर जगह बॉडी बनाने का अलग अलग तरीका है, तो जैसे मेरे गाड़ी में नहीं है तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम अपना गाड़ी में देख सकते हैं ये हैंडल जो है गेट खोलने वाला, ये हम नहीं लगाए हैं। और आप लोगों को पुराना वीडियो में देखे होंगे हम जो नीचे जो लॉक लगाए थे, ये नीचे जो लॉक लगाए थे इसी के लिए हम लगाए हैं ये सब, कि अगर गेट को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं तो गेट खुलेगा नहीं। अब मेरा हैंडल देखिएगा उधर साइड में, देखिए मेरा हैंडल देखिएगा, ये रहा, ये अलग से है, इसको हम लॉक कर देते हैं और फिर ये निकाल करके इसको हम रख देते हैं। अगर कोई हाथ घुसाता भी है तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं हैंडल खोलने के लिए। ऐसे तो मेरा दो दो लॉक है, नीचे भी लॉक है ये भी लॉक है। तो लड़का लोग कई बार बोला हमको कि इसमें हैंडल क्यों नहीं लगा देते हैं, बार बार खोजना पड़ता है इसको, कई बार ये ऐसा दोनों साइड का ही काम आता है, उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। तो कई बार लड़का लोग बोलता है कि बार बार खोजता है इसको, कई बार छोटा चीज़ है कहीं इन्हें घुस जाता है तो नहीं मिलता, तो बोलता क्यों नहीं लगा देते। हम बताएं कई बार कि बाबू हम इसीलिए नहीं लगाते हैं कि ये सब हादसा हम देख चुके हैं, इतना उम्र हो गया गाड़ी लाइन में, तो इसके लेकर के मेरे लिए आसान है, इसको हटा के रख दिए। अब अगर कोई हाथ डालता भी तो ये गेट नहीं खोल पाएगा। तो एक और चीज़ करा, यहाँ ग्रिल तो लगवा सकते हैं ना बाद में, ग्रिल लगा सकते हैं यहाँ पर ग्रिल ऐसे लग जाएगा तो हाथ नहीं घुसेगा। लेकिन थोड़ा क्या हो गया कि थोड़ा आदत भी ख़राब हो गया है कि शीशा से हम लोग को देखने का आदत हो गया उस शीशा में, तो ग्रिल लगने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऐसे जो शुरू से जिसमें चला लिया उसका तो आदत बन जाता है। तो हम भी चाहते हैं ग्रिल लगा सकते हैं, ग्रिल लगा देंगे यहाँ पर, वेल्डिंग करा देंगे, 3 तो राड यहाँ से करेगा बस हो जाएगा अपना भी। तो ठीक है दोस्तों, इतना तो मेरा दोस्त का हादसा हो गया। कई बार बताते हैं कि जगह देख के सोया करो, लेकिन हो ही जाता है कहीं ना कहीं, आदमी नया जगह फंस ही जाता है। तो वो तो अभी महाराष्ट्र में भी है, इधर तो है नहीं। दोस्तों अभी कुछ कुछ गाड़ी आ रहा है सामने से, ये देखिए अभी जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि रास्ता कैसा है, जाम वाम तो नहीं है ना। ये देखिए सामने से भी 2-3 गाड़ी आ रहा है, और इधर एक गाड़ी अभी ये आया। तो दोस्तों अभी मिले उस्ताद जी, तो बताइए आप लोग धनंजयगढ़ होके आए हैं ना? जी भैया जी। तो कैसा जाम है? पूरा जाम नहीं है, रास्ता खराब हो गया, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। गाड़ी जा पा रहा है कि नहीं, कि फंस रहा है? गाड़ी जा पा रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से। तो दोस्तों रास्ता तो जाम तो नहीं लगा है, लेकिन रास्ता बोल रहे पूरा कीचड़ हो गया, कीचड़ तो इधर भी हो गया पूरा, इनका गाड़ी भी देख सकते हैं। अब देखते हैं, ट्राई करेंगे जाने का, कीचड़ हर बारी हो जाता है ऐसे, जब भी ये रास्ता खराब होता है तो हम लोग उड़ीसा होके जाते हैं, लेकिन अभी पता नहीं था कि इतना खराब हो गया होगा। तो चलिए थैंक यू मैम। तो जाते हैं दोस्तों, अभी पापा को बता दे रहे ऐसा हो गया है, बोल रहे रास्ता पूरा खराब हो गया है। विजय एंगल से बात हो रहा है, अभी उन्हीं से दोस्तों बात हो रहा है। तो मतलब क्या लग रहा है कि इतना उतर मार दिया था, कुछ मन्ना सारा चीज मार दिया था? तो हाथ उठाओ तो माथा भारी भारी लगा होगा। मतलब
ना वो लोग जब शीशा काटता है ना तो पहले वो लोग मार ही देता है, वो बेहोश होने वाला वो लोग पास रहता है, समझा। आ ये जानता है कौन पाउडर रहता है ये वाला? आजकल ना सुई चला हुआ है कि आदमी को हॉस्पिटल में सुई दे के बेहोश करता, पहले को पाउडर आता था और वो मुंह पे रखा जाता था, उससे बेहोश करता था पहले, वही वाला ये लोग मतलब यूज कर रहा है। दोस्तों मेरा खाना तो बन गया, देख सकते हैं चावल वगैरह सब निकाल लिए हैं और ये मेरा आलू दम सब्जी भी बन चुका है पूरा मसालेदार एकदम। और दोस्तों हम अभी विजय से जो कॉल आया था मेरे पास उसका, तो वही बातचीत चल रहा था उससे, वो जो हादसा हुआ जो उसके साथ में, तो इस टाइप का होते रहता है और हम लोग गाड़ी वाला बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है। तो एक बार मेरे साथ भी हुआ था जब हम छत्तीसगढ़, बहुत पहले की बात है, छः चक्का का जमाना था उस समय, तो हमको छत्तीसगढ़ में हुआ था पिथौरा रोड में, पिथौरा से सरायपाली बीच में थोड़ा जंगल पड़ता है। तो ऐसे हम भी गाड़ी लेके चल रहे थे और रात के 2 बजे बाइक वाला आया 2 ठो और मेरे आगे आगे चल रहा था, तो वो जगह पर कोई बोरा रखा हुआ था और ये खिड़की जो होता है ना, ये खिड़की खुला हुआ था, गर्मी का समय था, खिड़की खुला हुआ था, तो उससे उधर से जो हवा आ रहा था वो हमको लग रहा था खलासी को लग रहा था, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा नशा टाइप को लगने लगा था। तो हम खलासी से पूछे कि शायद तुमको कैसा लग रहा है, तो बोला कि हमको भैया नींद आ रहा है। तो फिर हम समझ गए वही कुछ कर रहा, तो हम स्पीड से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने के लिए गए थे, तब तक वो फिर आगे भाग गया, तो फिर हम स्लो कर दिए गाड़ी, तो मेरा वहाँ पर बच गया था। फिर हम इसी होटल पर लगा दिए गाड़ी और आराम से सो गए थे। तो अंदर गैस जो चला जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा आदत मतलब लगता था कि जैसे अभी भी वो है, तो विजय को वैसे ही महसूस हो रहा है, वो बोल रहा है गाड़ी पे हम लोग जाते हैं ना तो लग रहा है कुछ महक रहा है, जिस टाइप का हमको लगता था उस टाइप का उसको भी लग रहा है। तो हो सकता है ऐसा होता है 2-3 दिन, मतलब बहम टाइप का बोलते हैं हम लोग उसको कि बहम हो जाता है। फिर हम दवा हुआ खाए थे तो फिर जाके वो सही हो गए थे हम, तो मेरे सामने कोई सिगरेट पीता था या कोई अगरबत्ती जलाता था तो हमको उसी टाइप का लगता था, तो हमको डॉक्टर साहब दिए थे दवा तो हमारा ठीक हो गया था। तो विजय के साथ भी यही हो रहा है अभी, उसको बहम हो गया है, तो जब भी गाड़ी मार रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ कुछ महक रहा है करके। तो हवा मारा गया था वो तो खैर क्लियर है, अरे उसके उसी के साथ अकेले नहीं, वहाँ पर बता रहा कि 4-5 गाड़ी था, 4-5 गाड़ी के साथ में हुआ, अकेले विजय के साथ ही नहीं हुआ है, 4-5 गाड़ी के साथ में हुआ है। तो बेचारा का महंगा मोबाइल था वो चला गया, तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगा कि हर जगह ट्रांसपोर्ट का नंबर वगैरह उसमें था, हर जगह का नंबर आता है, तो फिर तो परेशानी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग खाना निकालते हैं, देखिए मेरा सब्जी। दोस्तों खाना खा कर तो निकल चुके थे लेकिन यहाँ पर रुके तो बहुत ही अच्छा नज़ारा लगा देखने को, देख सकते हैं जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है यहाँ पर, तो वो बादल के मतलब सुबह आया हुआ टकराया हुआ है, तो दूर से ही ये सब दिखाई देगा और अगर नज़दीक जाएंगे तो फिर नहीं दिखाई देगा, ये सब दूर से ही बहुत अच्छा लगता है। और बारिश के चलते तो भी बहुत सा किसान भाई से बात हुआ हमारा रास्ते में है, वैसे तो दोस्त यार बोलते हैं धान काट के रखे थे तो बारिश के कारण ख़राब हो रहा है, तो बारिश थोड़ा नुकसान भी कर रहा है अभी, तो यहाँ पर कितना अच्छा आनंद लग रहा है, बारिश अभी छुटा हुआ है और आगे का स्थिति जो है वो जाने के बाद मालूम चलेगा कि जाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है करके, क्योंकि बहुत सा गाड़ी आना चालू हुआ, बड़ा स्थिति बहुत ख़राब रास्ता का, तो हो सकता है ज़्यादा तो सूख भी जाए। तो ठीक है दोस्तों अभी निकलते हैं, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। दोस्तों शाम के 4 बजने वाला है और देख सकते हैं हम लोग ख़राब रास्ता में आ चुके हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि दिन दिन में रास्ता दिखाई देगा और अगर आपको आगे से गाड़ी आ रहा लाइट मारता है तो हम लोग साइड कर सकते हैं जहाँ जगह देख करके। देखिए गाड़ी कैसे स्लिप कर रहा है, अभी पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो आराम आराम से इसमें जाना है, ज़रा सा भी मिस्टेक करेंगे तो गाड़ी साइड खींच लेगा, यही चिकनाहट मिट्टी के चलते चक्का खींचता है। इसमें आराम आराम से जाना है, एकदम देख सकते एकदम स्लो स्लो जा रहे हैं, आगे से कोई गाड़ी आएगा तो उसको हम लाइट मारेंगे तो जगह देख के रुक जाएगा। अभी 2-3 गाड़ी आया, ऐसा 2-3 गाड़ी आया तो हम उसको लाइट मारे तो रुक गया, वो हमको लाइट मारे तो हम भी रुक गए, तो यही सब थोड़ा दिक्कत होता है। नया मिट्टी डाल रहा है साइड में और बारिश करने से पूरा कीचड़ हो जा रहा है और चक्का क्या ना स्लीपर गाड़ी खींचता है, तो किसी तरह आराम आराम से पार करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों जैसे वो गाड़ी वाला लाइट मार रहा है हमको इशारा कर रहा है कि रुक जाओ इधर जगह नहीं है, तो हमको रुकना पड़ेगा अभी। अब उसके पीछे एक गाड़ी और आ रहा है, तो खैर छोटा गाड़ी है वो तो निकल ही जाएगा कहीं से भी, हम बड़ा गाड़ी वाला लोग क्या है कि यही सब चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ता है कि साइड में कितना खाई है
अगर जरा सा भी स्लिप करेगा तो उधर भी जा सकता है गाड़ी, तो आराम आराम से चलना है। यही सब चीज़ से हम लोग डरते हैं थोड़ा बरसात में। और रोड जहाँ बना हुआ फोर लाइन है वहाँ तो चलो कोई बात नहीं है। पीछे देखिए रोड का काम चालू है दोस्तों, अभी तो ये स्टार्टिंग है कुनकुरी पार करने के बाद, अभी तो और रास्ता हमको ख़राब मिलेगा। और जब तक ये खरसिया नहीं पहुँचते तब तक मतलब यही हाल है रोड का। कहीं कहीं है बना हुआ, कहीं कहीं थोड़ा बहुत बना है, कहीं कहीं नहीं बना है। अब देखिए सामने जब टेलर आ रहा है, अब वो लाइट मारेगा कि हम मारेंगे ये समझ से बाहर है उसको, उसके बाद जगह दिख नहीं रहा है। हम ही मार देते लाइट पहले, अगर रुक गया तो अच्छी बात है। अब देखिए वो हम लाइट मार दिए पहले, वो साइड कर दिया वहाँ। यही अगर अच्छा रोड रहता तो साइड करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को ये वाले घाटी में चढ़ना है, ये भी घाटी है पूरा घूम के अभी चढ़ना पड़ेगा ऊपर दोस्तों। ये अभी हम लोग कासाबिल पहुंचने वाला है और कासाबिल का ही घाट है ये दोस्तों। ये गाड़ी पहले जो चलाता था ड्राइवर, तो उसके पास खैर देखे कंटेनर में आप लोग भी खलासी नहीं रहता है, उसके चलते इसमें वाइपर ही नहीं है बाएं साइड में। अब अभी क्या है कि मेरे साथ तो आदमी हमेशा ही रहता है, दो तीन हमेशा ही रहता है, तो बाएं साइड जो बैठने वाला सागर को नहीं दिख रहा आगे, तो वो साइड हमको बता नहीं पा रहा है, तो उसके लिए बारह बोलता है हमको कुछ दिख नहीं रहा तो हम तो सोचते चलो बरसात खत्म हो गया और टेंशन मुक्ति हो गया, बना लेंगे लगवा लेंगे कभी दिन में कभी भी, लेकिन बरसात फिर दिख रहा अभी हमको, तो अब जाकर कहीं लगवाना पड़ेगा क्योंकि कब कब बरसात हो जाए कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं ये जो घाटी है इतना ज़्यादा मतलब अच्छा, इस घाटी पे जब भी आते हैं ना तो हमको याद आता है कि हम लोग एक हफ्ता ही यहाँ पे लोग फंसे हैं। इसका नाम हम लोग दे दिए थे कारगिल। ये पहाड़ का मिट्टी पूरा बह के नीचे आ गया था और पूरा कीचड़ ही कीचड़ एकदम, हम लोग एक हफ्ता यहाँ फंसे हैं और उसी समय कारगिल लड़ाई हुआ था, तो उसके बाद हम लोग इस जगह का नाम सब जितना भी ड्राइवर के मुंह में यही आता था कि कारगिल पार कर गया क्या, कारगिल में कितना जाम है। अभी तो काम चालू हो गया है, बन रहा है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जगह जब भी आता था वही सीन याद आता है, हम लोग यहाँ एक हफ्ता जाम में फंसे रह गए हैं दोस्तों। रात के 10 बज चुका है और हम लोग पहुँच चुके हैं साउ ढावा में, पत्थर गाँव पार करके जो होटल है। तो मन ऐसे भी दोनों बरसात में रोड देखते थे क्या पोजीशन है रास्ते का, तो हम लोग तो ऐसे भी मतलब पहले पहले भी आते तो रात में ही रुक जाते क्योंकि इसका एरिया जो है ये जंगल झाड़ा सिंगल रोड है, कहाँ जाम लग जाए क्या लग जाए कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे सोते हैं। हाँ सर, दिन में चलेंगे अपना, तो ठीक है दोस्तों जा रहे पहले खाना वाना खाते हैं दोस्तों। अभी हम लोग होटल में आ चुके खाने के लिए, तो आज ऑर्डर किए सेव भाजी, तो यही है ये देखिए दोस्तों। खाना तो अपना हो गया, तो इन्हीं का होटल है साहू जी यही है। और हम लोग से ये चीज़ है कि जैसे बरसात में भी रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इनसे हम लोग फ़ोन में भी बात कर लेते हैं कि गाड़ी वगैरह चल रहा है, जैसे हम अभी झारखंड से फ़ोन किए थे इनके पास रिपोर्ट लेने के लिए, किए थे ना ये थे कि रास्ता में गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा, जाम उम रहे, तो ये सब हम लोग को होटल से रिपोर्ट मिल जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई पोजिशन ख़राब रहता है कुछ रहता है तो सारा चीज़ बता देते हैं। तो अभी इधर क्या है, इधर तो पोजिशन ठीक है, अभी बढ़िया है इधर, ठीक है ना। तो बारिश तो दो तीन दिन से हो रहा है, बारिश तो दो तीन दिन बहुत जमती कर रहा है, हाँ तो थोड़ा रास्ता में थोड़ा फर्क पड़ा है, तो यही सब थोड़ा सा हम लोग को होटल से रिपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। आज का हमारा जो सफर हुआ है वो 200 किलोमीटर का हुआ है, क्योंकि बारिश में थोड़ा रास्ता खराब के चलते आराम आराम चलना पड़ा और बहुत जगह रुकना भी पड़ गया था पूछने उछने के लिए, उसके लेकर थोड़ा हम लोग आज का सफर 250 किलोमीटर पहुँचा है। और यहाँ ज़्यादा दूर तो रायपुर है नहीं अब, तो कल हम लोग रात में शाम में पहुँच ही जाएंगे और अपना देखते हैं फिर पार्टी कहाँ बोलेगा खाली के लिए दोस्तों। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ये सब देखने को मिलेगा आपको कि रायपुर के बाद हम लोग किधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।